गांव की सरकार मतलब कि पंचायत का चुनाव, और पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दी है। पुराने जनप्रतिनिधि तो जनता से संपर्क साधने में लगे ही हैं, कई नए उम्मीदवार भी सामने आने लगे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पंचायत चुनाव के लिए कभी भी सरकार का फरमान जारी हो सकता है, लेकिन सरकार के फरमान का इंतजार हम क्यों करें? हमें जो चुनाव जीतना है तो जनता के बीच जाना ही होगा। यही सोचकर गाँव में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। पलामू का नीलांबर पीतांबरपुर, जो पहले लेस्लीगंज हुआ करता था, यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की घोषणा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता वीणा सिंह ने की है। मीडिया से बात करते हुए वीणा देवी ने कहा कि जब संविधान ने पंचायत चुनाव में आधा अधिकार महिलाओं को दिया है, तो विकास कार्यों में भी आधा हिस्सा महिलाओं को मिलना चाहिए। चाहे महिलाओं के मान सम्मान की बात हो या क्षेत्र के विकास की, हर जगह महिलाएं आगे आएंगी और दशा और दिशा तय करेंगी। सामने जो पीएम आवास आया हुआ है, हमारी दीदी अगर जेएसएलपीएस में नहीं होती तो लगता है कि पीएम आवास अधूरा पड़ा हुआ हो जाता, या आज भी पड़ा हुआ है। नहीं तो किसी को समय से लेबर का पैसा मिल रहा है जो जॉब कार्ड में है, और नहीं तो आपका कमीशन से हट रहे हैं पदाधिकारी। और आने वाला समय में हमारी दीदी जो काम कर रही है, हमको नहीं लगता है कि हम लोग को सीएस के पास जाना पड़ेगा या हमारा जिला में जाने का जरूरत पड़ेगा। हमारे यहाँ जिला का लोग भी हमारे पास आएंगे। हमारे समस्या सिर्फ पदाधिकारी पर रहेगा और विकास के कार्य पर रहेगा।